तो हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यार, आज की इस वीडियो में आपको कंपैरिजन करने वाला हूँ रियलमी बड्स वायरलेस वर्सेस रियलमी बड्स वायरलेस 2। तो यार चलिए हम लोग देखते हैं कि रियलमी वालों ने क्या कुछ इसमें एक्स्ट्रा फीचर इतने सारे दे दिए हैं कि इसकी प्राइसिंग इतनी हाई रखी गई है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो रियलमी बड्स वायरलेस थी उसकी प्राइसिंग आपको रखी गई थी 1700 से 1800 रुपीज, बट यहाँ पे आपको जो रियलमी बड्स वायरलेस 2 है इसकी प्राइसिंग आपको 2300 रुपीज रखी गई है। तो यार देखते हैं क्या ये 2300 रुपीज को जस्टिफाई करता है रियलमी बड्स वायरलेस 2 या नहीं। तो यार चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे इन दोनों के आपको फिजिकल बिल्ड क्वालिटी की, कि आपको इन दोनों के बिल्ड क्वालिटी में क्या कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिलती है। तो यार सबसे पहले मेरे पास लेफ्ट साइड में आपको रियलमी बड्स वायरलेस, साथ ही मेरे पास राइट साइड में रियलमी बड्स वायरलेस 2। तो यार यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी तो इंप्रूव किया गया, मुझे लगता है ज्यादा आपको यहाँ पे बेटर बिल्ड क्वालिटी नेकमेंट की यहाँ पे रियलमी बड्स वायरलेस 2 की देखने के लिए मिलती है। और दोस्तों बात करेंगे इनके मॉडल की बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे मैं रियलमी बड्स वायरलेस में मिलता था आपको यहाँ पे मेटल की बिल्ड क्वालिटी, जो कि मुझे लगता है काफी अच्छी बात थी, बट यहाँ पे आपको रियलमी बड्स वायरलेस 2 में हमें प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी की देखने के लिए मिलती है। साथ ही मिलती है दोनों पे ही आपको रियलमी की ब्रांडिंग, जो कि आप देख सकते हो, बट हल्का ये आपको रियलमी बड्स वायरलेस का ग्लॉसी फिनिश साथ ही आता था, क्योंकि हल्का ये मैटे फिनिश मुझे लगता है। और यार बात करेंगे इसके राइट साइड में कुछ बटन्स की, कि आपको बटन्स में इनके क्या कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है 1 वर्सेस 2 में। तो आप देख सकते हो सीधा सीधा डिफरेंसेस आपको रियलमी बड्स वायरलेस में देखने को मिलते हैं 3 बटन्स, बाकी आपको यहाँ पे रियलमी बड्स वायरलेस 2 है ऊपर में जिसमें कि आपको 4 बटन देखने के लिए मिलते हैं। तो ये एक आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया गया है आपको रियलमी बड्स वायरलेस 2 में, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात है, बट इसकी प्राइसिंग भी थोड़ी सी मुझे लगता है हाई है। बट दोस्तों आपको इसमें गेमिंग मोड भी देखने के लिए मिल जाता है मुझे लगता है, जिसको आप रियलमी ऐप लिंक के द्वारा यहाँ पे जाकर कस्टमाइज कर सकते हो इस बटन को, और वहाँ से आप गेमिंग मोड भी इनेबल कर सकते हो, साथ ही आप यहाँ पे ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड को इनेबल कर सकते हो। और दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ पे आपको इन दोनों के आपको चार्जिंग पोर्ट की, तो हमें यहाँ पे रियलमी बड्स वायरलेस में देखने के लिए मिलता था माइक्रो यूएसबी की चार्जिंग पोर्ट, जो कि यहाँ पे इंप्रूव करके यहाँ पे आपको टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट दी गई है रियलमी बड्स वायरलेस 2 में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो वो भी आपको यहाँ पे इंप्रूव किया गया है। रियलमी बड्स वायरलेस में मिलता था आपको 12 घंटे की बैटरी बैकअप, जो कि उसको बढ़ा के सीधा यहाँ पे रियलमी बड्स वायरलेस 2 में आपको यहाँ पे 22 घंटे की बैटरी बैकअप किया गया है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात है, जो कि आप देख सकते हो। तो बैटरी बैकअप मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा इनका रियलमी बड्स वायरलेस 2 का। बट दोस्तों बात करेंगे आपको इसके वायर की क्वालिटी की, तो पहले आपको यहाँ पे रियलमी बड्स वायरलेस में देखने के लिए मिलता था ब्रीडेड वायर, बट यहाँ पे आपको रियलमी बड्स वायरलेस 2 में कोई भी ब्रीडिंग नहीं की गई है, यहाँ पे हल्की सी आपको फ्लैट केबल, बट हल्का सा आपको इसका साइज जो है मोटा है, बाकी आपको ब्रीडेड वायर देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलता है, तो ये एक चीज़ भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगा। बट दोस्तों अब बात करेंगे इन दोनों के आपको ईयर टिप्स की, तो इन दोनों के ईयर टिप्स में आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ इंप्रूव किया गया, जो कि आप सामने सामने देख सकते हो। सबसे पहले आपको एक रेडियम सी लाइट दी गई है यहाँ पे रियलमी बड्स वायरलेस 2 में, जो कि हमें यहाँ पे रियलमी बड्स वायरलेस में कोई भी ऐसा लाइट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर बात करेंगे इसके ड्राइवर साइज की, तो यहाँ पे आपको रियलमी बड्स वायरलेस में देखने के लिए मिलता था आपको ओनली 11.2 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, बट उसको बढ़ा के यहाँ पे आपको 13.6 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिया गया, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छा बेस प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू रियलमी बड्स वायरलेस। साथ ही आपको यहाँ पे ईयर हुक देखने के लिए मिलता था रियलमी बड्स वायरलेस में, जो कि हमें यहाँ पे रियलमी बड्स वायरलेस 2 में कोई भी ऐसा ईयर हुक देखने के लिए नहीं मिलता आपको, तो एक चीज आपको यहाँ पे हटा दिया गया है। साथ ही आपको मैग्नेटिक कंट्रोल दोनों में ही देखने के लिए मिलता है, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं की गई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यार अब बात करेंगे इन दोनों के आपको साउंड क्वालिटी की, तो यार साउंड क्वालिटी में आपको काफ़ी यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया गया है, क्योंकि पहले आपको डबल AC की रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिलती थी रियलमी बड्स वायरलेस में, जिसको बढ़ा के यहाँ पे आपको सोनी की एल्डर के साथ हाई रेस ऑडियो का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है आपको, जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे साउंड प्रोवाइड करता है मेरे ख्याल से। और साथ ही ANC के साथ अगर आप इसको सुनेंगे तो आपके ये म्यूजिक सुनने के एक्सपीरियंस को काफ़ी इंप्रूव कर देगा। और दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों का आपको गेमिंग लेटेंसी की, तो यहाँ पे आपको रियलमी बड्स वायरलेस में कोई भी हमें गेमिंग मोड देखने के लिए नहीं मिलता, बट आपको यहाँ पे रियलमी बड्स वायरलेस 2 में 88 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी देखने वाला गेमिंग मोड देखने के लिए मिलता है, जो कि मुझे लगता है आप रियलमी बड्स वायरलेस 2 के साथ गेमिंग भी कर सकते हो, कोई भी आपको इशू नहीं आने वाली मेरे ख्याल से। तो यार अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग रखी गई थी रियलमी बड्स वायरलेस जब लॉन्च हुआ था, तो आपको इसकी मुझे लगता है 1800 रुपीज, बट यहाँ पे आपको जो रियलमी बड्स वायरलेस 2 जो लॉन्च हुआ है इसकी प्राइसिंग आपको रखी गई थी 2300 रुपीज, मुझे लगता है थोड़ा सा 200-300 रुपीज एक्स्ट्रा है, मुझे लगता है अगर ये 2000 में लॉन्च हुआ तो मुझे लगता है बेस्ट है। तो यार चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आपको इन दोनों के कॉल क्वालिटी में क्या कुछ डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है। तो यार चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ इन लोगों ने इम्प्रूव किया है कॉल की क्वालिटी में। सर अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो आप रियलमी बड्स वायरलेस की माइक्रोफोन द्वारा सुन रहे हैं, तो आप मेरे को बताओ कि आपको इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी लग रही है? अभी जो आपको मेरी आवाज आ रही है वो आपको रियलमी बड्स वायरलेस 2 की माइक्रोफोन द्वारा आ रही है, तो आप मेरे को बताओ कि आपको इस माइक की क्वालिटी कैसी लग रही है? तो यार चलिए ये सुना आपने इन दोनों की कॉल क्वालिटी टेस्ट, आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको इन दोनों में से किसका कॉल क्वालिटी ज्यादा बेटर देखने के लिए मिला है। तो यार चलिए ये देखा आपने इन दोनों के सारी फीचर्स की, आपको क्या कुछ डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है, क्या कुछ इन लोगों ने इम्प्रूव किया है। बट यहाँ पे आपको जो रियलमी बड्स वायरलेस 2 लॉन्च हुआ है साथ ही अपने साथ एक बग भी लेकर आया है, जो कि यहाँ पे आपको ऑडियो सिंक की प्रॉब्लम है, जो कि काफ़ी सारे व्यूअर्स को भी फेस करना पड़ रहा है।
क्योंकि यार यहाँ पे 2300 रुपये भी खर्च कर रहे हो, साथ ही ये बार बार आपके फोन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं आपको यहाँ पे भी रिकमेंड नहीं करूँगा रियलमी बड्स वायरलेस 2 परचेस करने के लिए जब तक इनका बग फिक्स नहीं हो जाता मेरे ख्याल से। क्योंकि यार मुझे लगता है यहाँ पे आपको रियलमी के आपको एक दूसरे ईयरफोन से जस्ट आपको रियलमी बड्स वायरलेस 2 न्यू है, साथ ही अगर एक सस्ते में लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे जियो के भी वायरलेस नेटवर्क मिलते तो ईयरफोन परचेस करना चाहते हो तो आप उसको परचेस कर सकते हो, वो भी एक बेस्ट ईयरफोन हो सकता है। तो यार जब तक इनका बग फिक्स नहीं होता मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा रियलमी बड्स वायरलेस 2 परचेस करने के लिए। बाकी आपको इनकी सारी फीचर्स अच्छी है, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी आपको यहाँ पे इंप्रूव किया गया है। इनका जो आपको रियलमी बड्स वायरलेस प्रो आता था मुझे लगता है उनकी सारी फीचर्स इसमें डाल दिया गया है रियलमी बड्स वायरलेस 2 में, तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपको वहाँ कम प्राइसिंग में हमें ज़्यादा फीचर्स देखने के लिए मिल रहा है। बट ये जो आपको 2-3 बग यहाँ पे देखने के लिए मिला वो मेरे को अच्छा नहीं लगा यहाँ पे। तो यार जब तक ये सब फिक्स नहीं होता मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा ये परचेस करने के लिए रियलमी बड्स वायरलेस 2 की। तो यार चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा। तो यार अगर आप इन दोनों से कोई भी ईयरफोन परचेस करना चाहते हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। तो यार चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।